साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई, वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली, बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे शाक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण।